Hey my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. So guys, मुझे इतने सारे कमेंट्स आए, उससे ज़्यादा आप लोगों ने मुझे मेल किया है. मैंने पहले ही बोला था मेल सिर्फ काम के लिए. हाँ, आप लोग अगर अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो या कोई प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन चाहिए, सीरियस वाला प्रॉब्लम, तभी मेल करो. अगर स्टोरी की रिक्वेस्ट करनी है तो यार कमेंट सेक्शन किस लिए होता है, आप वहाँ कमेंट किया करो. चलो, आप लोगों ने इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर ही दिया है तो मैंने सोचा ज़्यादा वेट नहीं करवाते, जल्दी से स्टोरी ले आती हूँ. सो गाइस, आप लोगों ने देखा था मुस्कान एंड आर्या का सीज़न 1 के लास्ट पार्ट में कि मुस्कान के एग्जाम्स फाइनली ओवर हो चुके थे. आर्या ओवर एक्साइटेड थी और ये दोनों एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे. आर्या को ढंग से नींद नहीं आती ओवर एक्साइटमेंट की वजह से, क्योंकि सुबह वो मुस्कान को लेके उड़ने वाली थी अपने घर की तरफ. यहाँ मुस्कान सुकून से सो गई थी. आर्या बस सुबह का वेट कर रही थी. जैसे ही सवेरा होता है, आर्या ओवर एक्साइटेड होते हुए मुस्कान के ऊपर चढ़ते हुए थी. हे बेबी, ओपन योर आईज, देखो सुबह हो गई, उठो 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 उठो, जल्दी से उठो. मुस्कान बोलती, हाँ दिया मैम, सोने देना. मुस्कान बोलती, हटो मुझे सोना है. आदिया बोलती, कोई नहीं सोना मेरी शोना को, उठो 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 उठो. अब सो कैसे सकते हो, पता मैं कितनी ओवर एक्साइटेड हूँ, मुझे तो रात भर नींद नहीं आई. जिस पर मुस्कान बोलती, क्यों नींद नहीं आई आपको, आपको नहीं आई तो मुझे तो आ रही है ना, मुझे तो सोने दो. आदिया बोलती, हाँ मतलब आप एक्साइटेड नहीं हो, हाँ मेरे साथ मेरे घर रहने के लिए जा रहे हो, वो भी हमेशा के लिए, मतलब मैं इतनी खुश हूँ. जिस पर मुस्कान उठ के बैठती, नहीं मैं खुश नहीं हूँ. आदिया बोलती, व्हाट, आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती. मुस्कान बोलती, आपने अभी अभी क्या बोला, हमेशा के लिए, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ इसलिए मैं खुश नहीं हूँ. आदिया बोलती, बट आपने प्रॉमिस किया था एग्जाम के बाद आप मेरे साथ रहोगे, वहीं पे मेरे ही ऑफिस ज्वाइन करोगे ना, हम हमेशा साथ रहेंगे. मुस्कान बोलती, हाँ मुझे याद है, पर मुझे ये भी याद है कि अंकल आंटी ने अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये हमेशा के लिए नहीं है. आई मीन मैं हमेशा के लिए आपकी फ्रेंड बन के नहीं रह सकती हूँ. ओके, आई वॉन्ट टू बी योर गर्ल. आदिया बोलती, हाँ तो यू आर माई गर्ल राइट. मुस्कान बोलती, यस बट आपके पेरेंट्स को नहीं पता ना. आदिया बोलती, ओके तो अब आप क्या चाहती है. मुस्कान बोलती, आई डोंट नो, बस मेरा मूड नहीं ठीक. मुस्कान मुँह लटका के बैठी थी, जिसे देख के आदिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए आदिया मुस्कान के फोरहेड पे किस करती थी. प्यारा सा बच्चा, छोटी छोटी बातों पे देखो कैसे मुँह लटका लेता है. हाँ आप क्या चाहते हो कि हम पेरेंट्स को हमारे बारे में बताएं. मुस्कान बोलती, आदिया बोलती, तो ठीक है आज घर जाते ही सबसे पहले काम यही करेंगे, मॉम डैड को हमारे रिलेशन के बारे में बता देंगे. मुस्कान बोलती, उसके बाद क्या होगा. आदिया बोलती, जो होगा देखा जाएगा. मुस्कान बोलती, हाँ और अगर आपके मॉम डैड ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको मुझसे दूर रहने का बोल दिया, फिर छोड़ दोगे मुझे. आदिया बोलती, बेबी भी पॉजिटिव हो गए, इतनी नेगेटिव बातें क्यों कर रही हो. मुस्कान बोलती, क्योंकि मैं ना हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ और आप वो नहीं सोच रही हो. आई रियली वॉन्ट टू बी विद यू. आदिया बोलती, तो यही तो मैं भी चाहती हूँ ना. मुस्कान बोलती, तो सोचो इस बारे में, अगर आपके पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो. आदिया बोलती, देखो जान ऐसा होगा ही नहीं. पहली बात ये, मॉम आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, वो आपसे इतना प्यार करते हैं जितना वो मुझे करती हैं. मुस्कान बोलती है, रियल बेटी में और किसी को अपनी बेटी मानने में बहुत अंतर होता है. आदिया मैम, आई नो आंटी बहुत अच्छी है, मॉम उसे बहुत प्यार करती है, पर बेबी क्या पता वो आपके लिए, आई मीन आप अच्छे से जानती है वो आपके फ्यूचर के लिए क्या चाहती है. वो चाहती है कि आपका एक अच्छा सा हस्बैंड हो, चूँकि मैं नहीं कभी बन सकती. आदिया बोलती, सो व्हाट, हाँ मुझे हस्बैंड की जरूरत भी नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट माई वाइफ. तो आप मेरी वाइफ बनोगी ना. मुस्कान बोलती, आदिया मैम आपको मजाक सोच रहा है. आदिया बोलती, सीरियसली ये मजाक नहीं था बेबी, आई एम डैम सीरियस, विल यू बी माई वाइफ. हाँ मुस्कान बोलती, इसका जवाब जरूर दूंगी, पर तब जब आपके पेरेंट्स हमें एक्सेप्ट करेंगे, तब तक इस बारे में हम बात भी नहीं करेंगे. मुस्कान इतना बोल के शावर लेने चली जाती है. आदिया बोलती, कम ऑन ओपन द डोर ना, लुक करके कौन शावर लेता है. मुस्कान बोलती, मैं लेती हूँ. आदिया बोलती, बेबी कम ऑन मुझे अंदर तो आने दो, हम बात करते हैं ना. जिस पर मुस्कान बोलती, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, मुझे नहाना है. आदिया बोलती, तुम मुझे भी नहाना ना बेबी, देखो हमारी फ्लाइट है, लेट हो जाएगा, साथ में नहाते हैं ना, टाइम की बचत होगी. हाँ और पानी की भी, आपको पता है पानी कितना वेस्ट होता है, ऐसे एक ही बकेट में हम दोनों नहा लेंगे ना. मुस्कान बोलती, रहने दीजिए, मुझे पता है क्या सोच रही हैं आप, पर ऐसा नहीं होगा. आदिया बोलती, हे बेबी ओपन द डोर ना, कम ऑन मुझे आने दो ना अंदर. पर मुस्कान कोई बात भी नहीं सुनती. आदिया बोलती, फाइन जा रही हूँ मैं. मुस्कान बोलती, हाँ तो शौक से जाओ. आदिया बोलती, मैं सच में जा रही हूँ. मुस्कान बोलती, हैव अ सेफ जर्नी. आदिया बोलती, हो लड़की को मुझसे प्यार ही नहीं है.
आदि एकता मुल के बाहर आ जाती है, जहाँ पाल और काजल दोनों एक दूसरे को हग करके बैठे थे। आदि बोली, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस घर में अभी कोई और भी है। जिस पे पाल बोली, हाँ तो हम क्या कर रहे थे, हम तो बस। आदि बोली, हाँ बस तुम अपनी जानू मानू की बाहों में आराम फरमा रही थी, राइट। जिस पे काजल बोली, क्यों परेशान कर रही हो मेरी जान को। जिस पे आते होते, परेशान करूँगी तुम्हारी जान को, क्योंकि तुम्हारी इस जान की जो इकलौती जान है ना, वो मेरी जान खा रही है। जिस पे काजावती, क्या हुआ पार्वती, तुम ऐसे कैसे बोल रही हो मेरी बहन के बारे में। आदिवती, क्योंकि वो बहुत गंदी है। पार्वती, अभी से मेरी बहन के खिलाफ हो गया, तुम्हारे साथ ना मुस्कान को भेजने का प्लान कैंसिल, अब मुस्कान यही रहेगी मेरे पास। आदिवती, हे भायन, आई एम जस्ट किडिंग, हाँ तुम्हारी जान सिर्फ तुम्हारी जान थोड़ी है, वो तो मेरी भी जान है ना, राइट। मैं मस्ती कर रही थी, तुम तो बात बात पे सीरियस हो जाती हो। पार्वती, भूलना मत, आज के बाद मस्ती में भी उसको बुरा बोलना ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आदिवती, क्या साली साहिबा, इतना गुस्सा कहाँ से लाती हैं आप। हाँ काजल, तुम समझाती क्यों नहीं अपनी मैडम को। जिस पे काजावती, क्या समझाऊँ उसको, ये मुझे समझाती है। आदिवती, काजल वैसे तेरी और मेरी लाइफ एक ही है ना, हम दोनों की ना अपनी बंदियों के सामने नहीं जमती, मतलब सुनती ही नहीं है यार वो हमारी कोई बात। पार्वती, मैंने सुन लिया। आदिवती, यही दो जो बात सुननी चाहिए वो ये दोनों बहनें नहीं सुनती, पर जो नहीं सुननी चाहिए वो ये दोनों बहनें बातें सुनती है। क्या बात है कांत, इन दोनों की बहुत ही तेज़ है। पार्वती, तुम्हें अभी से मेरी बहन से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हाँ वहाँ जाके क्या करोगी, प्लान कैंसिल। आदिवती, यार पायल मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ, और तुम्हारी बहन नहीं है सिर्फ, आई मीन वो मेरी जानू भी है, ओके। तो हाँ उसे मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, और आप बीच में नहीं आओगी साली साहिबा। और ऐसे आदि नजरें दिखा दिया, पायल को आंखें दिखा दिया। पायल बोलती है, ठीक है नहीं आऊँगी तुम दोनों के बीच, लेकिन मेरी बहन को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ ना वहाँ पे तो तुम्हारी खैर नहीं। जिस पे आदिया बोलती, तुम्हें लगता है तुम्हारी बहन को कुछ भी प्रॉब्लम होगी, मैं वहाँ हूँगी ना उसके साथ हमेशा। पायल बोलती, ऐसा लग रहा है उसकी विदाई का टाइम आ रहा है, मुझे तो अभी से इतना बुरा फील हो रहा है, मैं कैसे रहूँगी उसके बिना। जिस पे आदिया बोलती, मैडम जी आप वैसे भी अपने ससुराल में रहती थी यहाँ कम, तो इतना मेलो ड्रामा करने की क्या जरूरत है, और मैं कोई तुम्हारी बहन को सात समुंदर पार तो लेके नहीं जा रही, जो आने के लिए तुम्हें एक दो हफ्ते लग जाएंगे, जब मन करे तब आ जाना। पायल बोलती, हाँ जैसे मैं अपने ससुराल से तो निकलती हूँ ना डेली वहाँ आने के लिए। जिस पे काजल बोलती, अब तुम बातें क्यों सुना रही हो, मैं तो तुम्हें कभी मना नहीं किया, तुम ही हो जो बाहर जाने के लिए हमेशा मना कर देती हो। जिस पे पार्वती, हाँ क्योंकि मैं अच्छा मुझे अच्छा नहीं लगता, सास ससुर जी घर पे अकेले रहे और हम लोग घूमने फिरने के लिए जाए। काजल बोलती, तो उसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है, मोम डैडी हमेशा मना कर देते हैं घूमने फिरने के लिए। आदिया बोलती, बस ये दोनों बहनें ना एक जैसे हैं, इन्हें अपने पार्टनर से ज़्यादा ना उनके पेरेंट्स से प्यार है, मेरी वाली भी सेम ऐसी ही है। काजावती, हाँ दिया फिर तो तुम मेरा दर्द बहुत अच्छे से समझती होगी ना, ये ना मतलब मोम दर्द कहीं जाने से मना करें तो ये भी मना कर देती है, यार मतलब हमारी खुद की भी कोई प्राइवेट लाइफ है, हमें भी कभी कभी साथ में घूमने फिरने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आदिया तुम ही बात करो, अब तुम ही समझाओ इसे। आदिवती, मैं क्या समझाऊँगी यहाँ साली साहिबा को, अपनी मंदी को तो मैं समझा नहीं सकती, तुम भाई अपनी मंदी खुद ही संभालो। इतना बोल के आदिया अपने बेडरूम में आ जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि मुस्कान चेंज कर रही है। आदिया मुस्कान को पीछे से हग करती है, किस करते हो, मैं बच्चा कितना सुंदर दिख रहा है। मुस्कान बोलती, बाहर तो मेरी बड़ी बुराइयाँ करके आ रही हो। आदिया बोलती, सुन लिया, बुराइयाँ नहीं बेबी, बुराइयाँ कहाँ, मैं तो अपनी बेबी की अपनी जानू की तारीफ कर रही थी। मुस्कान बोलती, हाँ अच्छा तारीफ में क्या बोल रही थी, ज़रा मुझे भी बता दो। आदि बोलती, छान छोड़ो ना, यहाँ देखो ना मेरी तरफ। तो आदि मुस्कान का फेस अपनी तरफ कर दिया, मुस्कान को लिप्स पे किस करते हुए थी, कितनी हॉट लग रही हो सुबह सुबह, हाँ सुबह सुबह इतनी हॉट मत लगा करो, यू नो ना फिर कुछ कुछ होता है। मुस्कान बोलती, कुछ नहीं होता, टाइम जा रहा है, चलो पैकिंग करनी है हमें। आदि बोलती, प्यार ही नहीं है, प्यार ख़त्म हो जाता है, सही कहते हैं लोग, चेंज हो गई हो आप। मुस्कान बोलती, चेंज, आपके साथ जा रही हूँ, अपना घर छोड़ के, अपनी दीदी छोड़ के, अभी भी मैं चेंज हुई हूँ। आदिवती, अच्छा मेरी माँ माफ़ कर दो, चलो आओ साथ में मिलके पैकिंग करते हैं। उसके बाद आदि और मुस्कान दोनों साथ में पैकिंग करते हैं। आदि ओवर एक्साइटेड होने की वजह से ना बहुत चीज़ें गड़बड़ कर रही थी, जिस पर मुस्कान में थी, आदि मैं अब रहने दीजिए, मैं खुद ही कर लूँगी, आप मेरा काम बढ़ा रही हो। आदिवती, जान मैं क्या करूँ, मैं इतनी ओवर एक्साइटेड हूँ ना, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकती, मैंने कितनी बार इमेजिन किया है कि आप मेरे साथ रहने आई हो, हम लोग ऐसा कपल एक ही रूम में एक ही घर में रहने, ओ माय गॉड मेरा सपना सच होने वाला है। इस पे मुस्कान आदि को हग करती है, कहती नो व्हाट आदिया, मैं भी यही चाहती हूँ, पर मुझे डर भी लग रहा है, पहले मैं आपसे मिलने के लिए 1 वीक 2 डेज़ या 3 डेज़ के लिए आती थी, सो हमारा रिलेशनशिप
पेरेंट्स से छुपाना ईजी था, पर अब मैं वहाँ, मतलब आपके पेरेंट्स को पता चल जाएगा तो अरे बोते क्या लड़की हो यार, अभी थोड़ी देर पहले खुद बताने की बात कर रही थी और अभी डर रही हो कि उन्हें हमारे बारे में पता ना चल जाए। मुस्कान बोती, आप समझ नहीं रही, मैं डर रही हूँ आपको खोने से। मुझे पता है आप अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हो, यू नो व्हाट, मैं भी अंकल आंटी से बहुत प्यार करती हूँ, अगर उन्होंने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया तो। आधे बोते बी पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके आई लव यू। चलो एक प्यारी सी क्यूट सी स्माइल दो, जिस पर मुस्कान स्माइल करती है, आधे उसे अपनी बाहों में भर के दवा कस के हक करती है, आई लव यू सो मच। चलो अब ज़्यादा मत सोचो, बैग पैक हो गया, चलो बाहर चलते हैं। और उसके बाद ये दोनों हाथों में हाथ डाल के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पालतू मुस्कान को हक करके रोने ही लगती है। काजल बोलती, अरे आज उसकी विदाई नहीं है, क्यों रो रही हो? जिस पर कहती, मेरी ये तो मेरी बहन की विदाई है ना, मेरे पास से तो दूर जा रही है, मेरा घर छोड़ के। जिस पे मुस्कान हक करती है, दीदी प्लीज़ ना, आप लोगों की तो मुझे भी रोना आ जाएगा। आधे बोलती, हे भगवान, इन दोनों की बहनों की ये मेलो ड्रामा से ना बचाओ मुझे और काजल को। और इस तरह ये दोनों मस्ती करने लगते हैं। तभी आधिया यूँ पायल मुस्कान को हक करती है और फिर पायल को प्रॉमिस करती है कि तुम्हारी बहन को कोई तकलीफ़ नहीं होगी वहाँ पे, हाँ डरो मत, और वैसे भी मैं जब भी मिल रहा हूँ तुम आ जाना, या फिर मैं ही इसे यहाँ लेके आ जाऊँगी, लेकिन प्लीज़ अभी जाने दो वरना हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। जिस पे पायल बोलती, मैं एयरपोर्ट तो छोड़ने आ ही सकती हूँ ना, पर आधिया साफ मना कर देती है, और काजल भी, क्योंकि आधिया बोलती तुम दोनों का मेला ड्रामा ना वहाँ भी स्टार्ट हो जाएगा, फिर सारे एयरपोर्ट वाले लोग जो भी वहाँ होंगे ना तुम लोग को चुप कराने आना पड़ेगा उन्हें, तो अपना ये मेला ड्रामा यहीं ख़त्म करो। जिसमें मुस्कान आधिया को घूरती होगी थी, मेला ड्रामा, हाँ जिस पर आधी होती भी मैं तो मजाक करी थी, सॉरी, अच्छा चलो 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 चलते हैं। उसके बाद आधिया मुस्कान जो है ये दोनों एक गाड़ी में बैठ जाते हैं, जो गाड़ी ने सीधा एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया। वहाँ ये दोनों हाथों में हाथ डाले अपने प्लेन की तरफ चले जाते हैं। जब ये लोग प्लेन में बैठे थे तो मुस्कान आधिया के शोल्डर पर सर रखती है, आधिया मुस्कान के हाथों को अपने हाथों में लेके किस करते हुए थे, दीदी को अभी से मिस कर रही हो? मुस्कान बोलती, आधिया बोलती, हे डोंट फॉर लव, अब दीदी से दूर नहीं हो रही, बस मेरे करीब हो रही हो, ये बात कभी मत भूलना। मुस्कान बोलती, आई नो आपके साथ रहने की एक्साइटमेंट भी है, पर दीदी से दूर जाने का दुख भी है। इस पर आधिया बोलती, डोंट वरी बच्चा, जब भी दीदी की याद आएगी हम तुरंत उनसे मिलने आ जाएंगे, ओके? मुस्कान बोलती, ओके। उसके बाद ये दोनों अपना सफ़र बहुत ही सुकून से, आराम से एक दूसरे की बाहों में गुजारते हैं। जैसे ही इन लोगों का प्लेन लैंड होता है, ये दोनों एयरपोर्ट पहुँचते हैं, वहाँ आधिया के पेरेंट्स इन्हें लेने आए हुए थे, जो कि मुस्कान के लिए सरप्राइज़ था। यहाँ आधिया की मोम आधिया को देख के इशारा करती है कि यहाँ आए हम। आधे मुस्कान जैसे ही आते हैं, मुस्कान शॉक हो जाते हैं कि अंकल आंटी आप हमें लेने आए हैं। मुस्कान तो खुशी के मारे अंकल आंटी को बहुत प्यार से मिलते हैं। यहाँ आंटी और अंकल मुस्कान को एक फ्लावर देते हैं, उसका वेलकम करते हैं। उसके बाद ये लोग एक गाड़ी में बैठ के घर आ जाते हैं। जैसे मुस्कान घर के अंदर कदम रखने वाली थी, तभी आधे की मामू से रोक देती है और बहुत अच्छे से आरती वारती के साथ उसके घर में स्वागत करते हैं, जिसे देख के मुस्कान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और आधे बोलती है कम होप बेटा, जिस सॉरी आधिया की मोम बोलती है। मुस्कान बहुत खुश हो जाती है, वो अंकल आंटी के आशीर्वाद लेती है। उसके बाद आंटी को हक करते हुए कहते हैं, थैंक यू सो मच आंटी, यू आर द बेस्ट। आधिया बोलती, और मैं? मुस्कान बोलती, आप भी बेस्ट हो, पर आंटी के बाद। आधिया बोलती, हो आंटी की चमची ना होती तो। हाँ, उसके बाद ये सब इकट्ठे बैठ के लंच करते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं। आधिया की मोम बोलती है कि अब मुझे आधिया से टाइम मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, आधिया तुम 24 आवर रहो ऑफिस में, मेरी बेटी आ गई है ना मेरे साथ वक्त बिताने के लिए। जिस पे आधिया बोलती, मम्मा मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, आपकी बेटी घूमने नहीं आई है, वो यहाँ पे जॉब करने आई है, राइट मुस्कान? मुस्कान बोलती, हाँ मैं जॉब करने आई हूँ, पर अपनी आंटी के लिए टाइम तो मैं हमेशा निकाल ही सकती हूँ, आंटी के लिए आई एम ऑलवेज फ्री। आधिया बोलती, बेटा तुम्हारी बस मैं हूँ, तुम जरा ऑफिस तो इतना काम का प्रेशर डालूंगी ना कि टाइम निकाल लेना अपनी आंटी जी के लिए। जिस पे मुस्कान बोलती, आंटी देख रही हैं अपनी बेटी को, हो अभी से मुझे डरा दिया, ठीक है मैं ना आपका ऑफिस ज्वाइन ही नहीं करती, मैं किसी और ऑफिस में अपनी सीवी दे दूंगी। आधिया बोलती, टांगे ना तोड़ दूँ मैडम जी तुम्हारी मैं। जिस पे मुस्कान बोलती, अब आप मेरी टांगे तो, आंटी आप देख रहे हो आपकी बेटी मुझे धमकी दे रही है, आंटी आपके सामने मुझे धमकी दे रही है, पता नहीं ऑफिस में मेरे साथ क्या करेगी, मैंने नहीं जाना इसके ऑफिस में। एंड मुस्कान मेलो ड्रामा यहाँ भी स्टार्ट कर देती है। आधिया बोलती, माँ ये एक नंबर की झूठिया, मुस्कान मैंने कभी हाथ उठाया? मुस्कान बोलती, हाँ आपने उठाया मुझे हाथ। आधिया बोलती, क्या मम्मा ये सच में झूठ बोल रही है? ओह अच्छा, मैंने कब हाथ उठाया बताओ? मुस्कान बोलती, बताओ आपने मुझे कहाँ मारा है? आधिया बोलती, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने इसे कभी नहीं मारा, ये झूठ बोल रही है।
जिस पर मुस्कान की थी, बता दो आंटी को, बता दो आंटी को। अरे बोली हाँ फाइन ठीक है, मैंने मारा था एक बार, पर गलती से की होगी माँ, तभी मैंने हाथ उठाया होगा। जिस पे हदिया की मोम हदिया के कान पकड़ के थी, खबरदार अगर मेरी बेटी की तरफ हाँ उठा के भी देखा तो मैं बहुत मारूंगी मैं। आदिया बोलती ओके माँ, यही आपकी लाडली बेटी, मैं तो कुछ हुई नहीं ना। और उसके बाद आदिया अपना खाना खाने लगती है। ये लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, और मुस्कान तो हमेशा की तरह अपनी सासू माँ के साथ कुछ ज़्यादा ही बिजी हो जाती है। वो आंटी के साथ बाहर गार्डन में वॉक कर रही थी, जान के साथ बहुत सारी बातें कर रही थी। वो कहती आंटी मैं आपके लिए कुछ चाहती, मैं भूल गई, मैं अभी आती हूँ। वो जल्दी से रूम में जाती है और बैग खोलती है। वहाँ आदियाँ मुस्कान को बैग से हक करती है, मुझे पता था मेरी जान बहुत जल्द मेरे पास आएगी, मिस कर रही थी ना मुझे, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, मैं छोटा सा बच्चा। जिस पर मुस्कान आदियाँ को पुश करते हुए थी, हाँ कुछ भी मैं आपके लिए नहीं आई। आदियाँ बोलती फिर कान में थी, वो मैं आंटी के लिए कुछ लाई थी, बस वही ढूंढ रही थी कहाँ रखा है कहाँ रखा है, ये रहा मिल गया। आदिया बोलती बात तो सुनो। मुस्कान बोलती बाद में। मुस्कान गिफ्ट लेती है और नीचे आ जाती है, कहती आंटी ये मैं आपके लिए लाई थी। और आंटी उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें बहुत सुंदर साड़ी होती है। आंटी बोलती ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। मुस्कान बोलती है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, कलर ना आप पे बहुत खिलेगा। तो उसकी आंटी बोलती वैसे मैंने भी तुम्हारे लिए एक साड़ी लिया। मुस्कान बोलती हाँ आंटी मजाक करिए, साड़ी और पैर। जिस पर कहती हाँ तुम क्यों साड़ी नहीं पहनने आती है। मुस्कान बोलती आंटी वो मैंने मुझे नहीं आती है साड़ी पहनने। जिस पर आंटी हंसने लगती है, कोई बात नहीं मैं तुम्हें पहनना सिखा दूंगी, कल घर में पूजा है और तुम साड़ी ही पहनोगी। मुस्कान बोलती आंटी मैं सच में नहीं पहन पाऊंगी, मैं गिर गई तो। जिस पर कहती अरे नहीं गिरोगी, डोंट वरी मैं हूँ ना बहुत अच्छे से साड़ी पहनना सिखाऊंगी। मुस्कान बोलती ठीक है। तभी आदिया मुस्कान को कॉल करती है। मुस्कान बोलती आदिया मैं मुझे क्यों कॉल कर रही है। मुस्कान कॉल पिक करती है, आदि बोलते इधर ऊपर देखो पीछे की तरफ। मुस्कान पीछे की तरफ देखती है तो आदि अपने रूम की विंडो पे खड़ी थी और उसे इशारा करती प्लीज़ दो मिनट के लिए ऊपर आओ ना। मुस्कान बोलती अभी नहीं। आदिया बोलती प्लीज़ 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 बस दो मिनट के लिए। मुस्कान मना कर देती है, आती होती ऊपर आ जाओ वरना मैं किस लिए नहीं ना नीचे आ जाऊँगी। मुस्कान बोलती हिम्मत है तो आ जाओ। मुस्कान इतना बोल के कॉल कट कर देती है। आती होती अच्छा जी हिम्मत की बात करो अभी बता दो। आदिया नीचे आती है जहाँ उसकी माँ और मुस्कान वॉक कर रहे थे। आदिया बोलती माँ अब थक गई होगी वॉक करके, कि अब यहाँ बैठो मैं आपके लिए जूस लाई हूँ। आदिया अपनी मम्मा को बिठा के उन्हें जूस देती है। मुस्कान आंटी के बिल्कुल पीछे ही खड़ी थी चेयर के। आदिया बोलती है मुस्कान तुम भी थक गई होगी, ये लो तुम भी जूस पियो। मुस्कान मना करती है तो आदिया उसके हाथ में जूस का गिलास देती है। अब आदिया देखती है कि उसकी मोम जूस पी रही है और आदिया जल्दी से मुस्कान के चिक्स पे किस कर देती है। मुस्कान यूँ हैरान होकर आदिया को देखती है कि क्या कर रही हो आंटी है। और तभी आदिया मुस्कान के लिप्स पे किस करती है। मम्मा और गिलास जूस का ले आओ। उसकी मम्मा बोलती नहीं नहीं बहुत अच्छा था। आदिया बोलती हाँ मम्मा वैसे मैंने अपने हाथ से तो नहीं बनाया पर लेके तो आई ना, थैंक यू। हाँ इतना बोल के आधे गिलास लेके वहाँ से चली जाती है। आंटी बोलती मुस्कान तुम मेरे पीछे क्यों खड़ी हो। मुस्कान कुछ नहीं आंटी। कहती यहाँ आके बैठो। तो मुस्कान आंटी के पास घर जाती है। यहाँ आंटी मुस्कान से बोलती है मुस्कान वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुस्कान बोलती जी आंटी बोलिए। तो कहती मुस्कान जब तुम एक बार यहाँ रहने आई थी याद है हम तुम्हारे अंकल के फ्रेंड के फार्म हाउस गए थे। मुस्कान बोलती हाँ आंटी मुझे अच्छे से याद है। क्या हुआ। तो कहती हाँ वो तब एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी और रह गई। मुस्कान बोलती इतना टाइम हो गया आंटी आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं, हमारी तो रोज़ बात होती थी। इस पर कहती हाँ पर मुझे लगा कि आमने सामने बैठ के बात करना सही रहेगा। मुस्कान बोलती जी आंटी पूछिए क्या बात करनी थी आपको। तभी माँ आती अब प्रकट हो जाती है और कहती माँ आपको डैड बुला रहे हैं। जिस पे आदिया की मोम बोलती है ठीक है मैं बाद में उनके पास सुन लूँगी। पर आदिया खड़ी हो जाती है नहीं माँ डैड कब से बुला रहे हैं, आपको पता है ना जब उन्हें कुछ चाहिए होता है तो वो उसी टाइम उन्हें चाहिए होता है, प्लीज़ जाए ना कब से गुस्सा कर रहे हैं। जिस पे आदिया की मोम बोलती है अच्छा ठीक है और वो अंदर चली जाती है। आदिया मुस्कान के पास बैठ जाती है, कहती क्या बात कर रही थी। हाँ मुस्कान बोलती पता नहीं आंटी मुझसे कुछ पूछना चाह रही थी बट अपनी बात ही नहीं कम्प्लीट करने दी। आदिया बोलती अच्छा वैसे मैं सोच रही थी कि हम मोम एंड डैड को बता ही देते हमारे बारे में। मुस्कान बोलती नहीं मुझे डर लगता है अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। आदिया बोलती इतनी डरती क्यों बताने तो दो, क्या पता इससे उल्टा हो जाए मोम डैड हमें एक्सेप्ट कर लें। मुस्कान बोलती आई डोंट थिंक सो ये सब इतना आसान होगा। आदिया बोलती ओके बाबा फाइन तो कब बताना है। मुस्कान बोलती आई डोंट नो मुझे नहीं पता।
मुस्कान का मूड काफ़ी ख़राब हो गया था, तो आधे उसका हाथ थाम के उसे समझा रही थी कि एक ना एक दिन तो मम डैड को बताना ही है ना। मुस्कान बोलती आई नो उन्हें बताना है, पर अब मुझे बहुत डर लग रहा है। आधे बोती हद है, आपने ज़िद कर रखी थी बताना और अब आप ही डर रही हो। मुस्कान बोती क्योंकि मैं आपसे आपको खोने से डरती हूँ, वो सच बोलूँ तो सिर्फ आपको नहीं, मैं अंकल आंटी को भी खोने से डरती हूँ। मैं अंकल आंटी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं आंटी की नज़रों में अपने लिए नफरत कभी भी नहीं देख पाऊँगी। मुस्कान इतना बोल के रोने लग जाए तो आर्या मुस्कान के फेस को अपने हाथों में होल्ड करती है और उसके फेस पे किस करते हुए कहती है कि आपको ऐसे क्यों लगता है हाँ कि मोम आपको हेट करेगी। मुस्कान बोलती क्योंकि मैंने देखा है काजल की मोम ने भी पाल दीदी को ऐसे हेट किया था। जिस पे आर्या बोलती उनकी बात अलग थी ना, हमारी बात अलग है। मुस्कान बोलती कोई अलग बात नहीं है। आर्या बोलती ओके फाइन, क्यों भी अपसेट, सब ठीक हो जाएगा। मुस्कान बोलती आई होप कि सब ठीक हो। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे थे कि तभी मेड बुलाने आती है और कहती है कि आपको सब अंदर बुला रहे हैं। ये दोनों अंदर आ जाते हैं और पता चलता है कि आदिया उनकी मोम की कोई फ्रेंड आई है, वो आदिया से मिलना चाहती थी। तभी वो मुस्कान से पूछते हैं कि ये कौन है, क्योंकि वो लास्ट टाइम मुस्कान से नहीं मिल पाई थी, उसकी पार्टी में वो आंटी थी ही नहीं। जिस पर आदिया की मोम बताती है कि ये है मुस्कान, कहती ओह तो ये है मुस्कान, वाह जितनी इसकी तारीफ सुनी थी लगता है सब फीकी ही थी। ये तो अपनी तारीफ की से भी बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा समझदार है, जिसे देख के मुस्कान थोड़ा ब्लश करती है। मुस्कान और आदिया कुछ देर वहीं बैठते हैं फ्रेंड्स के पास और उसके बाद ये लोग ऊपर चले जाते हैं। आदिया मुस्कान को बोलते हैं क्या सोच रही हो। मुस्कान बोलती कल मेरे ऑफिस का पहला दिन है, मैं सोच रही हूँ मैं क्या पहनूँ। जिस पर आदिया बोलती तो आपकी प्रॉब्लम मैं ख़त्म कर देती हूँ ना। मुस्कान कहती है क्या मतलब। आर्या बोलती अरे मैं आपको ड्रेस सेलेक्ट कर देती हूँ। तो यहाँ आर्या मुस्कान के लिए ड्रेस, मैचिंग ज्वेलरी, शूज सब सेलेक्ट करती है। मुस्कान बोलती मैं इंटर्न की जॉब के लिए जा रही हूँ, वहाँ बॉस बन के नहीं जाना, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। आर्या बोलती नहीं बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा। मुस्कान बोलती मैं खुद ही सिलेक्ट करूँगी, थैंक यू हाँ, तो मेरा काम बढ़ा देती हो। आर्या बोलती हद है यार, एक तो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। मुस्कान बोलती नहीं मैं खुद सब कर लूँगी। आर्या बोलती फाइन मैं जा रही हूँ नीचे, शायद मोम को कुछ चाहिए होगा। आर्या नीचे चली जाती है। यहाँ मुस्कान अपने कल के लिए ड्रेस वगैरह, शूज़ वगैरह सब मैनेज करके रखती है कि सुबह उठते उसे कुछ दिक्कत ना हो। यहाँ मुस्कान वेट कर रही थी आदिया का। थोड़ी देर में आदिया आ जाती है, जहाँ ये दोनों साथ में बहुत सारी मस्ती करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और आदिया मुस्कान को परेड पे किस करती है। अब कहती मेरी जान अब आप सो जाओ क्योंकि सुबह आपको जल्दी जगना है। मुस्कान बोलती अरे मैं उठ जाऊँगी। आदिया बोलती पर सर रहने दो, सुबह आपको जगने में बहुत मुश्किल होती है एंड आई नो डेट वेरी वेल, इसलिए जल्दी सोगी तो सुबह जल्दी उठोगी। तभी वहाँ आदिया की मोम आ जाती है। आदिया बोलती अरे माँ आप यहाँ पे आए ना, तो उनके हाथ में कुछ ड्रेस होता है और वो मुस्कान को एक साड़ी देती है। मुस्कान बोलती ये वही साड़ी है ना, तो कहती हाँ बेटा ये वही साड़ी है और मैं चाहती हूँ कि कल तुम्हें ये साड़ी पहनूँ। आदिया बोलती माँ इसने कभी साड़ी नहीं पहनी है। जिस पर उसकी मोम बोलती मुझे पता है और ये भी पता है कि साड़ी में बहुत सुंदर लगेगी। आदिया बोलती आप मेरे लिए साड़ी नहीं लाई। जिस पर उसकी मोम बोलती हाँ जैसे तुमने पहन लेनी है। आदिया हंसते हुए कहती माँ वैसे आप मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। उसकी मोम बोलती हाँ जानती हूँ क्योंकि तुम मेरी बेटी जो। जिस पर आदिया बोलती हाँ हाँ आपको इसी बात का तो गम है, आपके लिए तो मुस्कान आपकी बेटी होती राइट। जिस पर उसकी मोम बोलती हाँ काश ऐसा होता। आदिया बोलती माँ आप सच में बुरी हो। तो आदिया की मोम और मुस्कान हंसने लगती है, तो वो दोनों एक टीम होकर आदिया को बहुत टीज करती है। उसके बाद आदिया की मोम बोलती है चलो मुस्कान अब तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। आदिया बोलती हाँ माँ मैं भी से यही बोल रही थी। और फिर आंटी वहाँ से चली जाती है, मुस्कान और आदिया सो जाती है। अगले दिन आदिया जल्दी से शावर ले रही थी पर मुस्कान अभी भी सो रही थी। आदिया उसे जगाती है कि उठो आज घर में पूजा है, उठो उठो उठो, पर मुस्कान उठने का नाम नहीं ले रही थी। तभी वहाँ आदिया की मोम आती है जो आदिया को बोलती तुम रेडी हो जाओ मैं मुस्कान को उठाती हूँ। वो मुस्कान को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह से प्यार करते हुए उठाती हैं और इसे शावर लेने के लिए भेज देती है। यहाँ मुस्कान शावर लेके आ गई थी पर प्रॉब्लम था साड़ी पहनना और रूम में आदिया भी नहीं थी जिससे वो हेल्प ले। मुस्कान बोलती अरे यार मुझे तो साड़ी पहनना नहीं आता, मैं कैसे पहनूंगी, काश दीदी यहाँ पे होती अब मैं क्या करूँ। मुस्कान हाथ में साड़ी लिए पहनती थी कि मैं कैसे ही पहनूंगी। तभी रूम में आंटी आती है, कहती क्या हुआ। मुस्कान बोलती आंटी मैंने बोला था ना मुझे पहनना बिल्कुल नहीं आता। जिस पर कहती अरे रिलैक्स मैं हूँ ना बेटा। और फिर यहाँ आंटी मुस्कान को साड़ी पहनने में हेल्प करती है और मुस्कान जब साड़ी पहन के नीचे आती है तो ओह माय गॉड आदिया का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है क्योंकि मुस्कान उस साड़ी में बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। आदिया तो बस मुस्कान को देखे ही जा रही थी। तभी आदिया की बेस्ट फ्रेंड जो इन दोनों के बारे में जानती थी वो भी पूजा के लिए आई थी, वो आदिया को बोलती आदिया हाँ अपना मुंह तो बंद कर लो। आदिया बोलती हाँ शी लुक्स सो हॉट यार,
प्यादिया की फैमिली थी, थोड़ी तो शर्म कर लो, पूजा है अगर मैं जिस प्यादिया होती मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तभी वहाँ मुस्कान आती है, चौधरी को देख के मुस्करा दिया, पूजा स्टार्ट हो जाती है और बारी बारी सब आरती कर रहे थे। यहाँ मुस्कान और आदिया भी दोनों साथ में आरती करते हैं, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। आदिया मुस्कान को जब प्रसाद खिलाने लग दिया तो मुस्कान को कह दिया कि आज कोई बहुत हॉट लग रहा है। मुस्कान बोलती थैंक यू। आदिया बोलती मैंने आपकी तारीफ नहीं की। मुस्कान बोलती हाँ। आदिया बोलती देखो यहाँ पूजा में बहुत लोग आए हैं। मैंने कहा कोई तो हॉट लग रहा है, ये नहीं बोला कि आप हॉट लग रही हो। आदिया मुस्कान को टीज करने लग जाती है और बाकी सबका प्रसाद बांटने लगती है। मुस्कान को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो ऊपर गुस्से में रूम में जाके बैठ जाती है और जो उसने अपनी इयर रिंग्स रिंग पहने थे सब उन्हें उतारने लगती है। तभी आदिया रूम में आती थी, बाप रे बाप, को इतने गुस्से में अपनी जूरी रिमूव करे, क्या हो गया? मुस्कान बोलती आपको क्या लेना देना, चाहिए ना पार्टी में घूरी है, जिसको घूरना जो भी आपको हॉट लग रहा है। आदिया बोलती उसी को घूरने के लिए तो रूम में आई हूँ, क्योंकि मुझे तो सिर्फ मेरी जान ही हॉट लगती है। आदिया इतना बोल के मुस्कान का हाथ ठानती है, उसके हाथ पे प्यारी से किस करती है। मुस्कान को देखते हुए मुस्कान तुरंत अपना हाथ छुड़ा देती, रहने दीजिए, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुस्कान इतना बोल के दूसरा ड्रेस उठा दिया जो उसे पहनना था। तभी आदिया मुस्कान की कमर में हाथ डालती है, यार साड़ी का एक तो फ़ायदा है तमीज साफ दिखता है और कमर भी। आदिया मुस्कान की तमीज में हाथ डालती है, मुस्कान के बालों को साइड करते हुए उसके नेक पे किस करते हुए थी, जान सुनो ना, हाउ मच आई लव यू, और मेरी नज़र आपसे हटेगी तो कहीं हो जाएगी ना, एंड ट्रस्ट मी यू आर लुकिंग डैम हॉट, यू नो व्हाट, आपको डेली साड़ी पहनना चाहिए। तभी मुस्कान थोड़ा सा हंसती है और आदिया को पीछे करती होती है, रहने दीजिए मुझे चेंज करना है क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। आदिया बोलती शिट ऑफिस से याद आया मुझे तो निकलना था, शिट 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 शिट, आपको देखते ना मैं सब भूल जाती हूँ, प्लीज़ आज के बाद सुबह के टाइम कभी साड़ी मत पहनना वरना मैं भूल जाऊँगी कि मुझे ऑफिस भी जाना है। जिस पर मुस्कान हंसने लगती है। उसके बाद आदिया मुस्कान के चीक्स को टच करते हुए एक प्यारी से किस करते हुए, आई लव यू सो मच एंड सॉरी आपको टेस करने के लिए, एंड ट्रस्ट मी अगर आज मुझे ऑफिस ना जाना होता तो आज पूरा दिन मैं आपको एक सेकंड के लिए भी अकेला ना छोड़ती। इतना बोल के आदिया मुस्कान को एक किस कर दिया। उसके बाद वो अपना बैग लेके दौड़ पड़ती है क्योंकि उसे सच में बहुत लेट हो रहा था और आज उसे बहुत लोगों का इंटरव्यू भी लेना था। जिस पर मुस्कान हंसते हुए ओ शिट ऑफिस तो मुझे भी जाना है, इंटरव्यू तो मुझे भी देना है ना, शिट 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 मुझे भी लेट हो जाएगा, फिर साड़ी भी ना। मुस्कान जल्दी से साड़ी रिमूव कर दिया, दूसरा ड्रेस पहन दिया और वो जब अपना लैपटॉप मोबाइल वगैरह फाइल कुछ लेके नीचे आने लगती है तो तभी वहाँ पे आदिया की मॉम मुझे दही खिलाती है, आशीर्वाद देती है। मुस्कान में थी आंटी आप तो ऐसे मुझे आशीर्वाद दे रही हो जैसे मैं किसी और ऑफिस में अप्लाई करने जा रही हूँ, ये जॉब मुझे ही मिलेगी क्योंकि मुझे पता है आदिया पे मुझे ज़रूर रखेंगे जॉब पे। इस पे वो हंसते हुए कहती है आदिया तुम्हारी काबिलियत पे तुम्हें जॉब देगी, एंड फॉर यू कैन इन्फॉर्मेशन जॉब इंटरव्यू में आदिया होगी पर डिसीजन लेने वाली वो नहीं होगी। मुस्कान कहती फिर कौन होगा? जिस पे कहती ये तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मुस्कान कहती ओ शिट मैम तो कोई प्रिपरेशन भी नहीं की, मुझे लगा आदिया मैम सब संभालेंगी पर लगता अब तैयारी करनी ही पड़ेगी। मुस्कान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वो बाहर निकलती है तो वहाँ पे आदिया के डैड खड़े थे, कहते आगे बेटा तुम। मुस्कान बोलती अंकल क्या आप मेरा वेट कर रहे थे? कहते हाँ क्योंकि हमें साथ में ऑफिस जाना है। मुस्कान बोलती सॉरी अंकल मुझे पता होता तो मैं आपको बिल्कुल वेट नहीं कराती। जिस पे वो कहते कोई बात नहीं बेटा गाड़ी में बैठो। यहाँ मुस्कान अंकल के साथ ऑफिस में जाती है, अंकल ऑफिस के बाहर ही मुस्कान को छोड़ते हैं और इसे बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। मुस्कान कहते क्या आप अंदर नहीं आने वाले? जिस पे वो कहते हैं नहीं मुझे कुछ काम है उसके बाद ऑफिस आऊँगा। मुस्कान बोलती ओके अंकल थैंक यू सो मच मुझे शॉप करने के लिए। मुस्कान ऑफिस के अंदर जाती है और वहाँ वो रिसेप्शन पे जाती है, बताती है कि मेरा आज इंटरव्यू है। जिस पे रिसेप्शन वाली लड़की उसे वेटिंग एरिया में बिठा देती है। मुस्कान वहाँ बैठी अपनी सारी फाइल्स अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी सीवी एक बार रीड करती होगी थी, अरे यार मुझे तो पता ही नहीं है इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब क्या करूँ, यूट्यूब प्लीज़ हेल्प कर यार। इतना बोल के वो यूट्यूब पे जाती है और वहाँ कुछ वीडियोज़ वगैरह देखते हैं कि इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड आर चार पांच वीडियोज़ देखने के बाद मुस्कान के अंदर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ गया था। मुस्कान बोलती अरे यार पिछले एक घंटे से बैठी हूँ कि बुला क्यों नहीं रहे इंटरव्यू के लिए, कितना वेट करना पड़ेगा। तभी मुस्कान का नेम कॉल होता है, मुस्कान थोड़ी एक्साइटेड और थोड़ी नर्वस हो जाती है, गहरी सांस लेती है, फिर से आदिया की बात याद आती है कि जब भी इंटरव्यू देने के लिए अंदर आना रिलैक्स होके आना, गहरी सांस लेना तीन बार और फिर अंदर आना, एंड डोंट वरी जो भी क्वेश्चन का आंसर देना फुल कॉन्फिडेंस के साथ देना चाहे गलत ही क्यों ना। जिस पर मुस्कान हंसती होगी थी आदिया मैम मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं, तभी उन्होंने ये एडवाइस की होगी। उसके बाद मुस्कान जब इंटरव्यू देने के लिए अंदर आती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ
आदिया मुस्कान के डैड के अलावा और कोई था ही नहीं। मुस्कान हंसते हुए थे, सिर्फ आप दोनों मेरा इंटरव्यू लेने वाले हो। जिस पे आदिया बोलते, क्या आप हमें जानती हैं मिस मुस्कान? मुस्कान हंसते हुए थे, नो मैम, पर मैं आपके अंदर काम करना चाहती हूँ, आपको जानना चाहती हूँ। उसके बाद आदिया जो है वो इंटरव्यू ले दिया और बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब वो सिर्फ अपने प्यार को जॉब नहीं देती, मतलब वो अच्छे से देखती है कि मतलब ये जॉब कर भी सकती है नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है और आदिया के डैड भी। वेल मुस्कान सारे क्वेश्चन सही सही देती है, जिस पे आदिया कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस मुस्कान, आपको ये जॉब दी जाती है। जिस पे मुस्कान उतर ही उछलने लगती है और कहती यस 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 थैंक यू सो मच आदिया मैम। जिस पे आदिया होती मुस्कान बोलती थैंक यू मिस आदिया, थैंक यू सर। और इतना बोल के मुस्कान बाहर आ जाती है, ये मुझे जॉब मिल गई ये, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ मुस्कान कैफेटेरिया में जाके वेट करने लगती है कि शायद आदिया उससे मिलने के लिए आए, पर आदिया नहीं आती। जिस पर मुस्कान को लगता है कि शायद आदिया ने और भी इंटरव्यू लेने होंगे, इसलिए मैं वापस घर चली जाती हूँ क्योंकि जॉब तो मुझे कल आना है ना जॉब पे काम के लिए। इसलिए मुस्कान पार्किंग में जाती है, मतलब वो वहाँ जाती है और आदिया को टेक्स्ट करती है कि क्या मुझे ड्राइवर घर लेके जाएगा, मैं टैक्सी पर जाऊँ। जिस पर आदिया अपनी वेट ड्राइवर आ रहा है और तभी एक गाड़ी मुस्कान के सामने आके रुकती है। मुस्कान पीछे बैठने लगती है और तभी देखती आदिया मैम आप ड्राइवर लेने आने वाला था ना मुझे, तो आदिया बोलती आपकी ड्राइवर तो मैं ही हूँ ना, कम ऑन आगे आके बैठो। तो मुस्कान अगली सीट पे आके बैठती है। आदिया को हक्कत हुई थी ये मुझे जॉब मिल गई, आदिया बोलती आई नो मैडम आपको जॉब मैंने ही दिया। मुस्कान बोलती हाँ पर आपने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होंगे, ऐसे ही जॉब नहीं मुझे दे दी। जिस पे आदिया हंसने लगती है। मुस्कान बोलती आप मेरे साथ घर चल रहे हो तो बाकी इंटरव्यू कौन लेगा? जिस पे आदिया होती आपको लगता है इंटर्न के इंटरव्यू के लिए मेरा वहाँ होना ज़रूरी है? वो तो बस मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती थी इसलिए वहाँ पे थी। जिस पे मुस्कान बोलती आपने मुझे ड्राई दिया था, आपको बताना चाहिए था कि अंकल और आप वहाँ पे होंगे, मैं कुछ ज़्यादा तैयारी करके आती। आदिया बोलती ट्रस्ट मी आपने सारे क्वेश्चन के आंसर सही दिए थे एंड आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत ऊपर का था, एक पल के लिए तो मैं भी शॉक्ड हो गई थी। जिस पे मुस्कान बोलती थैंक यू मैं सच में बहुत हैप्पी हूँ। आदिया बोलती वो तो मैं हूँ भी हूँ, चलो पार्टी करते हैं। मुस्कान बोलती हाँ कैसी बोझो जॉब देते ही खुद ही पार्टी दे रही हो। आदिया बोलती ओ हेलो ये पार्टी आपकी बॉस नहीं बल्कि आपकी पार्टनर दे रही है। मुस्कान बोलती फिर सही है। तो यहाँ पे आदिया और मुस्कान पार्टी करने के लिए कहीं चले जाते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। यहाँ आदिया और मुस्कान की लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पहले आदिया मुस्कान की प्रोफेसर थी वहाँ अब आदिया मुस्कान की बॉस बन चुकी थी। पर आदिया तो नाम की बॉस थी, असल में तो मुस्कान ही आदिया की बॉस थी। बल देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि इनकी लव स्टोरी आगे कहाँ ले जाती है। हमें मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय। पर चांस पहले पे ऐसी छोटी सी नन्नी मुन्नी सी क्यूट कुछ रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से किसी ने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।